हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार हमारी बॉडी में हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स बिल्कुल भी संतुलन में नहीं रह पाते हैं और इसी वजह से शरीर में भी काफी ज्यादा कमियां आने लगती हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने हार्मोन्स को संतुलन में लाना तो आइए देखिए मेरी आज की ये वीडियो। दोस्तों, अगर आपके हार्मोन्स संतुलन में नहीं है तो यकीनन आपके खाने में कोई ना कोई कमी जरूर है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के अंदर बिल्कुल भी हार्मोन असंतुलन ना हो तो आप अच्छे से अच्छे आहार का सेवन करें। ऐसी चीजों का सेवन करें जिसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा ज्यादा हो, जो आपकी बॉडी को अच्छे तरीके से संतुलन में लाने में काम में आए, आपके पाचन तंत्र को संतुलित करें और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करें, ताकि आप बार बार बीमार ना पड़े। आप चाहे तो हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, फलों का सेवन कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं या फिर डेयरी उत्पादों का भी सेवन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करने में और आपकी बॉडी से असंतुलन को दूर करके संतुलन को वापस लाने में आपकी काफी मदद करते हैं। इसी के साथ साथ आपको अपनी ड्रिंकिंग चीजों पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी कि पानी सबसे ज्यादा पीना चाहिए। अगर आपको शराब पीने की या स्मोकिंग करने की आदत है तो आपको इसे कम कर देना चाहिए और धीरे धीरे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी बॉडी के अंदर असंतुलन का कारण शराब और सिगरेट भी होती है। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपको इसका सेवन भी करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से न केवल आपकी बॉडी सुरक्षित रहेगी बल्कि आपके हॉर्मोन्स भी संतुलन में आ जाएंगे। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।